हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स। यहाँ पर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का मैच हो रहा है, इक्वेटोरियल गिनिया वर्सेस कोते डिवोरियो के बीच 10:30 बजे, जो कि खेला जाएगा अपना 1.5 घंटे बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो EGU और IVC के अंदर जो मैच हो रहा है, इसके अंदर मैं फेवर करूँगा भाई अपना, मतलब डबल साइड को, मतलब IVC टीम के अंदर भी इतना ट्रस्ट मैं नहीं कर सकता, पिछले मैच में हमने देखा। और IGU की बात करूं तो उन पे तो भाई ट्रस्ट मैं तो कहूंगा ना ही करो, मतलब डबल साइड रहो। ये नहीं कह रहा कि मैं एक तरफा टीम बनाऊं, एक तरफा जब बनानी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। तो लेके चलते हैं आपको स्ट्राइकिंग सेक्शन की ओर। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, देखिए स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर सेबेस्टियन हेलर नहीं खेल रहा बिकॉज ऑफ इंजरी। उसके बाद देखा जाए तो अगर इनकी मिडफील्डिंग के अंदर, तो एनपेप भी शायद ही खेलेगा, अभी कंफर्म तो इस बारे में नहीं हो पाया है, ठीक है, क्योंकि दो बार से पिछले मैच के अंदर भी नहीं लाया। एडिंगरा भी नहीं खेल रहा, जे माइकल सैरी भी नहीं खेल रहा, मैक्स ग्रेडल भी नहीं खेल रहा, ये सारे प्लेयर इंजर्ड है, इनकी गलती नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इंजरी के ऊपर अब हमें किसी पर तो ट्रस्ट करना होगा, तो सबसे पहले तो मैं देखो यहाँ पर आपको लेने की राय दूंगा बेम्बा को। हाँ, अगर बेम्बा नहीं खेलता फिर बदल लेना, मैं नहीं कह रहा, मैं थोड़ा कह रहा हूं कि भाई चिपक के लो, लेकिन इसको, इस प्लेयर को आपको अभी तक टीम में रखना जरूरी है। उसके बाद मिडफील्डिंग में बात करूं तो आपको यहां पर जे फिलिप क्रांसो को लेना ही लेना है। इस बंदे को मैंने अपने पहले मैच में भाई अपना कैप्टन रखा था, मैं पागल थोड़ा हूं कि कैप्टन रख के घूम रहा है एक बंदे को, वो भी बिना किसी कारण के। मुझे पता था कि क्रांसो कितने ज़्यादा गोल करने में सक्षम है। उसके बाद फुफाना की बात करें तो फुफाना यार अनप्रेडिक्ट कर गया पिछला मैच, तो मतलब पहले मैच में तो ज़्यादा चल गया, अगले मैच में बिल्कुल फ्लॉप, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा है तो इसलिए मैं इसके साथ जाऊंगा। उसके बाद आगे अगर बात करें तो देखिए संगारे अगर खेलेगा तो आप ले सकते हो, बाकी फ्रैंक कैसी की टेंशन मत लो, टेंशन असली जिसकी लेनी है वो है एनपेप की मेन टेंशन है, बाकी प्लेयर तो ऐसी हैं। अब ये जे बोगा वगैरह ये तो नॉर्मल है, आपको पता है, आप सब जानते हो कि जेरेमी बोगा कुछ नहीं करके गया पहले कुछ मैचेस के अंदर, इसलिए मैं तो आपको राय दूंगा संगारे को। एंड आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर मैं लूँगा, देखिए जे मैचिन को मैं जरूर लूँगा, मैचिन के साथ जाऊँगा। एंड बिकोरो को ना लेकर पिछले मैच की तरह नसुइयो को लूँगा, पिछले मैच में इसको वाइस कैप्टन रख दिया था, मज़ा आ गया था, 90% कॉन्टेस्ट हम लोग जीत गए थे। कई लोगों ने मेरी टीम में ही कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स कर दिया और मेरे अगेंस्ट मैच में आ गए और भाई मुझे हरा गए, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आप हमारे ही ग्रुप के बंदे थे, तो मेरे को ये चीज़ की बुरा नहीं लगा, ठीक है। एंड आगे से अगर बात करें तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर अगर एक प्लेयर बढ़ाना है तो आप मिरांडा की जगह सेल्वेडोर को बढ़ाइए, क्योंकि सेल्वेडोर इज़ मोर बेटर देन जे मिरांडा। मिरांडा अच्छा है लेकिन नहीं मौका मिलेगा आपको इसको लेने का, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, मेरे पास ऑप्शन है, मिरांडा को छोड़ दो अभी, बाकी लेना होगा तो आप किसी मिडफील्डर के बदले ले सकते हो अगर कोई नहीं खेला तो। आगे से डिफेंडिंग की बात करें, देखिए भाई डिफेंडिंग में अगर मैं क्लियर कट बोलूं तो IVC की डिफेंडिंग तेज़ है, IVC के मेन डिफेंडर बड़ी लीग में खेलते हैं जबकि ऑपोजिशन टीम में ऐसा नहीं है। तो चुपचाप से ऑरियर को लो, ऑरियर के बाद डब्ल्यू बोली की बात करूं तो अगर इसको खिलाया आज तो मैं जरूर लूँगा, अभी तो मैं सेव कर रहा हूँ। एंड आगे से अगर बात करें जी कॉनन को लूँगा, तो ये हमारे तीन प्लेयर डन हो जाते हैं। तीन प्लेयर्स के बाद गोलकीपिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, गोलकीपिंग सेक्शन के अंदर जे ओवोनो को यहाँ पर मैं लूँगा, ओवोनो इज़ एन एवरेज प्लेयर, इतना खास भी नहीं है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। आगे से अगर बात करें कप्तान की, कप्तान है हमारी टीम का यहाँ पर जे फिलिप क्रांसो, और हमारा वाइस कप्तान जो है वो होगा ऑपोजिशन टीम का ई नसियू। तो ये डबल साइडेड मैच है, तो अगर आप वाइस कैप्टन जाओ तो बेम्बा को भी रख सकते हो, अगर नहीं खेला तो बदल भी सकते हो, जो भी स्ट्राइकर खेलेगा उसको रख सकते हो, क्योंकि वाइस कैप्टन का यहाँ पर बहुत तगड़ा रोल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।